This is Afzal Ahmed, lecturer of physics from Government Degree Boys College, Baldia Town. Assalamu alaikum. This is my third lecture. Today's topic is spectrum of hydrogen atom, a topic from second year physics, chapter 18. Hydrogen atom ki agar hum baat kare, so this is the simplest atom which you will ever find. It has one proton in the nucleus and an electron orbiting around it. इस चैप्टर में हम हाइड्रोजन एटम के का जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे. स्पेक्ट्रम में आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपने कंपोनेंट कलर्स या वेवलेंथ्स में तकसीम हो जाना ये स्पेक्ट्रम कहलाता है. और हाइड्रोजन एटम किस तरह का स्पेक्ट्रम बनाता है, बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, वो हम देखते हैं. इस डायग्राम में एटम के एनर्जी लेवल्स शो किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटम नंबर्स. न्यूक्लियस से जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट है उसका क्वांटम नंबर 1 है, क्वांटम स्टेट 1 है, उसके बाद क्वांटम स्टेट 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आप देख सकते हैं. और यानी हर ऑर्बिट के साथ एक क्वांटम स्टेट स्पेसिफाई की गई है जो कि उसकी एनर्जी बताती है. एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया और उन्होंने सक्सेसफुली आइडिया ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट किया, यानी एटम का ज़्यादातर जो मास है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होता है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया. बोहर ने रदरफोर्ड के साथ मिलकर 1913 में चीज़ों को मज़ीद क्लैरिफाई किया और एटम को मतलब हाइड्रोजन एटम को सक्सेसफुली डिस्क्राइब किया. बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके तीन पोस्टुलेट्स हैं, इनको हम देखते हैं वन बाय वन. पोस्टुलेट वन, इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में होता है, यानी ना वो जंप करके हायर ऑर्बिट में जाता है ना वो फॉल करके लोअर ऑर्बिट में आता है, बल्कि अपने ऑर्बिट में स्टेबल है, वो कोई एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है, बल्कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. पोस्टुलेट टू, इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स के दरमियान जंप कर सकता है, लेकिन सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इस टर्म h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी 1 h अपॉन 2 पाई पॉसिबल है, अलाउड स्टेट है, 2 h अपॉन 2 पाई, 3 h अपॉन 2 पाई, 4 h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन. तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो उन्होंने प्रेजेंट किया वो ये कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है n h अपॉन 2 पाई, यानी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. यहाँ पर एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्टेट का और आर जो है वो उस रेडियस उस ऑर्बिट का रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है. थर्ड पोस्टुलेट बोहर का, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स ए क्वांटम ऑफ एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इट रेडिएट्स ए क्वांटम ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन जब कभी क्वांटम ऑफ एनर्जी यानी कि जो डिस्क्रीट पैकेट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जिसको फोटोन कहते हैं, जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा और जब वो दोबारा लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा. जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी एनर्जी विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स, यानी हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एंड एनर्जी वी नो एमिटेड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एच न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ. ये बोहर के एटॉमिक मॉडल के तीन पोस्टुलेट थे. अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स जो है वो डिस्क्राइब की गई हैं यहाँ पर लाइंस की मदद से, हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद से. ये लोएस्ट पॉसिबल स्टेट है,
जहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 अप टू सो ऑन. अच्छा, जब कभी इस क्वांटम स्टेट में जहाँ पर क्वांटम नंबर 1 है, जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है, जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, तो हमारे पास जो सीरीज या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होगी वो लाइमन सीरीज कहलाती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है. यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम एनी हायर स्टेट. अच्छा, ये जो सेकेंड एनर्जी स्टेट है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम एनी हायर स्टेट, तो आपके पास बामर सीरीज जनरेट होगी, और ये बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती है. यानी जो रेडिएशन स्पेक्ट्रा, जो रेडिएशन एमिट होगी वो विजिबल रेडिएशन होगी, कलर्स हो सकते हैं जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं. जब कभी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन थर्ड एनर्जी स्टेट में होगी फ्रॉम एनी हायर स्टेट, तो पाश्चन सीरीज बनती है और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है. अगर फोर्थ एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ब्रैकेट सीरीज बनती है, ये फार इंफ्रारेड रीजन में है. और फिफ्थ एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो आपके पास पी फंड सीरीज बनती है, यहाँ शो नहीं की गई, पी फंड सीरीज, ये भी फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है. जो एमिटेड रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हैं. ये इसी चैप्टर में आगे जाके इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी करेंगे. 1/λ = RH/NF²-1/NI². अच्छा, RH जो है वो है रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर. NF वो हायर, वो लोअर एनर्जी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन आके फॉल करता है, और Ni वो हायर एनर्जी स्टेट है जहां से इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन की. Ni इज ग्रेटर देन NF. एनर्जी ऑफ Ni इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ NF. ये समराइज कर दिया गया है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को, और इसके इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो भी साथ ही दिया गया है. अगर हमारे पास लाइमन सीरीज जनरेट होती है, तो रीजन ये अल्ट्रावायलेट रीजन में की अल्ट्रावायलेट रीजन की रेडिएशन होती है. फॉर्मूला इनको फाइंड आउट करने के लिए सेम है जो कि अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया. और ये कब जनरेट होती है ये रेडिएशन, जब आपके पास फाइनल एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन की 1 हो, और इनिशियल एनर्जी स्टेट में बी एनी हायर स्टेट 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. बामर सीरीज ये विजिबल रेडिएशन हैं, फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए सेम है. फाइनल क्वांटम स्टेट इलेक्ट्रॉन की 2 होगी फ्रॉम, और एनी हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा इन टू द सेकेंड स्टेट, तो आपके पास ये सीरीज जनरेट होती है. पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में है, ये कब जनरेट होती है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड क्वांटम स्टेट में ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एनी हायर स्टेट. ब्रैकेट सीरीज ये फार इंफ्रारेड रीजन में, ये उस वक्त जनरेट होगी जब फोर्थ क्वांटम स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, यानी फाइनल स्टेट जो है वो फोर्थ होगी, और इनिशियल स्टेट में भी एनी हायर स्टेट. पी फंड सीरीज ये भी फार इंफ्रारेड रीजन में है, इसमें फाइनल स्टेट आपके पास फिफ्थ है, और इनिशियल स्टेट मे बी एनी हायर स्टेट. चैप्टर 18 एक्सरसाइज प्रॉब्लम 18.2 ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है. इससे आपको मजीद क्लैरिफिकेशन होगी कि हम वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं जो रेडिएशन एमिट हुई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के नतीजे में हाइड्रोजन एटम में. क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज एमिटेड व्हेन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1. यानी फाइनल स्टेट 1 है, इनिशियल स्टेट इलेक्ट्रॉन की 3 थी, यानी थर्ड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हुई, उनकी जो वेवलेंथ है वो आपने बतानी है. उस वेवलेंथ से ही पता चल जाएगा कि ये किस रीजन में फॉल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, और कौन सी सीरीज बन रही है. Ni यहाँ पर अगर आप देखें हायर एनर्जी स्टेट थर्ड स्टेट है, NF यानी फाइनल एनर्जी स्टेट, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये 1 है, और लैम्डा आपने फाइंड आउट करना है.
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 upon lambda is equal to RH 1 upon NF square minus 1 upon NI square. सिंपली आपने जो जो चीज़ें आपको मालूम हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट से मिल गई हैं वो रिप्लेस करनी है इसमें, आर एच यानी रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की जगह ये कॉन्स्टेंट वैल्यू, एन एफ की जगह थर्ड क्वांटम स्टेट, एन आई की जगह फर्स्ट क्वांटम स्टेट. मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 upon 9 minus 1, और इसको इसका एलसीएम लेंगे 8 upon 9, मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. अच्छा, ये आपने 1 upon lambda फाइंड आउट किया है यानी रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा, जबकि आपको लेमडा रिक्वायर है तो दोनों साइड्स को रेसिप्रोकेट कर दें. ये लेफ्ट हैंड साइड लेमडा हो गई और राइट हैंड साइड को आपने 1 से 1 को से डिवाइड कर दिया. जब आपने सॉल्व किया तो 1.025 exponent minus 7 meter, ये आपके पास वेव लेंथ फाइंड आउट हो चुकी है. इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 102.5 nanometer इज द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाई इलेक्ट्रॉन वेन इट मेड ट्रांजिशन फ्रॉम क्वांटम स्टेट 3 to quantum state 1. सो दिस इज द रिजल्ट. उम्मीद है कि अब आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं. इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक.